एक्शन। मूवी ऐसी होनी चाहिए साला दिमाग को चैलेंज करे, और इसके लिए फिल्म मेकर्स को लेना पड़ता है रिस्क। इसलिए आज की लिस्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ बिंदास और बोल्ड मूवीज को चुना है। अगर आप भी अपने मूवी देखने के एक्सपीरियंस को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं अभी का रिव्यू। टॉप घिसे पीटे जंप स्केयर वाले हॉरर मूवीज देखकर बोर हो चुके हैं और हिस्टोरिक सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी अंडरग्राउंड दुनिया में जाना चाहते हैं तो आप नंबर 7 की मूवी खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग को नहीं छोड़ेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, सिर्फ 1 hour 35 minutes की 2013 की एनिमी। कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा मूवी का एक कैरेक्टर बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, और फिर मूवी की पूरी जिम्मेदारी हिप्नोटाइज करने वाली एक्टिंग जेक जिलनहॉल के चारों कंधों पर। चार कंधों पर क्योंकि डबल रोल है मूवी के अंदर, आवाज सेम, दिखते भी सेम है, लेकिन फिर भी एक्टिंग इतनी जबरदस्त, आपको बिहेवियर से समझ में आ जाता है कि इस वक्त कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। मूवी के अंदर बहुत ज्यादा एडल्ट सीन्स है, ऑलमोस्ट 70% मूवी के अंदर आपको बहुत ही डार्क और डिप्रेसिंग शेड्स मिलेंगे। इसी सिनेमेटोग्राफी की वजह से मूवी दिमाग में चिपक जाती है। ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम पर मिल जाएगी। नंबर 6 की सर्वाइवल प्रूफ है इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता। समुंदर के बीच में 1000 kilometers तक कुछ भी नहीं है, एकदम रियलिस्टिक रोमांस ड्रामा जिसमें परियों की कहानी नहीं है, 2 positive and 1 negative point के साथ 2018 की एड्रिव। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा हम कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लैशबैक चल रहा है फिर करंट सिचुएशन, मूवी बताना क्या चाहती है, लेकिन शैली वुडली और सैम क्लैफलिन क्या एक्टिंग किया है भाई साहब, जो कुछ भी इनके साथ होता है 100% रियल लगता है। कुछ जगहों पे नेचर का अटैक इतना ज्यादा ओवर दिखाया है, ह्यूमन के लिए सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग उसे रियलिस्टिक फील करवाती है। 1 hour 30 minutes की ये सर्वाइवल मूवी उन सभी फैंस के लिए जो फैमिली के साथ हिंदी में अवेलेबल इस सर्वाइवल मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं। मूवी अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है और ऑलमोस्ट ना के बराबर लव मेकिंग सीन्स है। एक्टर्स का 100% एक्टिंग के अंदर और टेमी होल्डन की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होने की वजह से इसे एक चांस जरूर देना चाहिए। नंबर 5 पे मेरे हिसाब से सबसे रियलिस्टिक गैम्बलिंग की दुनिया की मास्टरपीस। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ क्राइम ड्रामा 2008 की 21। मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। आप किसी भी पॉइंट पर मूवी में बताए गए टिप्स और ट्रिक्स चैलेंज ही नहीं कर सकते यार, ऐसा थोड़ी होता है। बस आपकी मैथ की प्रोबेबिलिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। काउंटिंग कार्ड्स के इल्लीगल मेथड से लास वेगास में अपने स्टूडेंट्स के साथ इस टीचर का मिलियंस कमाने का प्लान पूरा हो पाता है या नहीं, ये आपको 2 घंटे में पता चलेगा। मूवी का वीक पॉइंट है इसका 2 hours का लंबा लेंथ। वो इसलिए क्योंकि मूवी कभी 5वें गियर पे तो कभी 1st गियर पे चलती है। कई सीन्स जो इररिलेवेंट लगते उन्हें काटा जा सकता था, लेकिन इन सब की भरपाई हो जाती है बहुत ही दिमाग यूज करके बनाया हुआ इसका स्क्रीन प्ले। अगर आपको कार्ड्स या ब्लैक जैक के रूल्स नहीं पता तो शायद थोड़ा बाउंसर जा सकती है मूवी। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल इस मूवी के अंदर कोई बड़ा एडल्ट सीन नहीं है। 16+ ये मूवी गैम्बलिंग और ओशन सीरीज के फैंस के लिए मस्ट वॉच है। साउथ कोरिया की मूवी के बिना ये बियॉन्ड इमेजिनेशन लिस्ट अधूरी सी है। 3 positive and 1 negative point के साथ बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल 2014 की वॉर एक्शन रोरिंग करंट। मूवी हर एंगल से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। म्योंगयांग की हिस्टोरिकल बैटल के ऊपर है, जहां जापान की बड़ी सी आर्मी, बड़े बड़े शिप, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जैसी फील, एक दूसरे को तोप से उड़ा रहे हैं, जहाज के साथ इंसान के भी चिथड़े उड़ रहे हैं। एकदम मस्त फुल ऑन वॉर एक्शन मूवी है। हिंदी डब मूवी के बावजूद मुझे स्टोरी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। मैं किसी कैरेक्टर से पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाया, और कई जगहों पर स्टोरी में क्या चल रहा है कुछ मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन सारे फाइट सीक्वेंस एक नंबर। समुंदर के बीच वॉर सीक्वेंस कोरियोग्राफ करना पहले ही इतना डिफिकल्ट है, उसमें भी VFX कहां यूज किए समझ में नहीं आता, जो इस मूवी की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जैसे जहाज के बीच में लड़ाई और कुछ हटके वॉर सीक्वेंस देखना है तो ये 2 hours लंबी मूवी अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल, आप अपनी फैमिली के साथ डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 की मूवी देखना नहीं एक्सपीरियंस करने के लायक है, जो आप कभी भुला नहीं पाओगे। इस एनिमेशन का एक एक फ्रेम आपको अपनी सपनों की दुनिया जैसा लगेगा, और अगर एनिमेशन 18+ हो तो मजा दुगना हो जाता है। 2019 की फैंटेसी एनिमे आई लॉस्ट माई बॉडी। पेरिस के एक लैब में हाथ कट चुका है और वो जिंदा हो जाता है और अपने शरीर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एकदम अजीब साउंड करता है ना, मूवी भी बिल्कुल अजीब है। मूवी ने एनिमेशन के सारे रूल्स तोड़ दिए, वो भी बहुत खूबसूरती से। ऑस्कर विनिंग ये एनिमेटेड मूवी आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। ये जर्नी एक जबरदस्त एक्सपीरियंस की होने वाली है। मूवी में कई सवाल खड़े होंगे जिसका एक्सप्लेनेशन मूवी नहीं देती, बस आपको इस पे भरोसा करके एक रोलर कोस्टर राइड पे जाना है। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल ये मूवी 18+ है। हर एनिमेटेड मूवी की तरह ये भी आप
आपको सेल्फ डिस्कवरी का बहुत अच्छा लेसन सिखाएगी। ऐसी मूवीज को दूसरों के साथ शेयर करके क्वालिटी कंटेंट की एंट्री आप जरूर कर सकते हैं। और अगर इस बात पे हमारी सोच कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। नंबर 2 की ऑस्कर विनिंग मूवी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, मैट्रिक्स के बाद अगर किसी का स्लो मोशन दिमाग में बैठ गया तो वो ये वॉर एक्शन मूवी है। 2008 की हर एक एंगल से मास्टरपीस हर्ट लॉकर मूवी सिर्फ 15 मिनट लेगी आपको रियलिटी से सीधे इराक के वॉर में लेके जाने के लिए। ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड ये मूवी सोल्जर्स और सिविलियंस इन दोनों की मजबूरी, इनकी आइडियोलॉजी, मजबूरी की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बने, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है और दो देशों के लालच और पॉलिटिक्स में पिसते हुए सोल्जर्स, दुनिया का सबसे बेस्ट बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला विलियम जेम्स, एक एक सेकंड इतना भारी और टेंशन से भरा हुआ लगता है, मान गए यार ये लेवल होता है मूवी का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉयलेंस और डिस्टर्बिंग सीन्स की वजह से इस आर रेटेड मूवी को आप एक बार अमेजोन प्राइम पे जरूर ट्राई करना। नंबर 1 की मूवी किसी भी एंगल से 20 साल पुरानी नहीं लगती, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में वर्ल्ड वॉर 2 की दुनिया एकदम रियल आंखों के सामने आ गई हो। इस लिस्ट की सबसे लंबी 2 hours 30 minutes की वॉर ड्रामा द पियानिस्ट, इतनी लंबी मूवी होने के बावजूद कहीं पर भी बोर फील नहीं हुआ। जर्मनी के खुल्लम खुल्ला सिविलियंस के ऊपर अत्याचार के बीच एक पियानिस्ट अपने फैमिली से अलग होने के बाद कैसे कैसे वर्स्ट सिचुएशन से गुजरता है। मूवी में ऐसे ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स है आपके अंदर के इंसान को हिला के और रुला के रख देगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है एड्रिन ब्रॉडी की एक्टिंग, यंगेस्ट एवर बेस्ट एक्टर ऑस्कर विनर। यूट्यूब पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ फ्री में अवेलेबल है, जरूर सेलिब्रेट करना इसे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके YouTube को जरूर बता।